लखनऊ से बड़ी खबर है, सिविल अस्पताल में लापरवाही पर डिप्टी सीएम बेहद सख्त दिखाई दिए हैं। सिविल अस्पताल में फर्श पर तड़पते हुए मरीज की फोटो वायरल हुई थी और सिविल अस्पताल में तड़पते हुए मरीज की फोटो पर डिप्टी सीएम सख्त हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने मामले की जांच के निर्देश दिए हैं। बड़ी खबर, सिविल अस्पताल निदेशक को मामले की जांच करके रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं। मरीज को तुरंत इलाज क्यों नहीं मिला, इसको लेकर स्पष्टीकरण भी मांगा है। मरीजों के इलाज में हिला हवाली बर्दाश्त नहीं होगी, नहीं करेंगे, ये सख्त लहजे में कहा है। और तड़पते मरीज के इलाज में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों पर कार्रवाई के निर्देश भी दे दिए गए हैं। कहां पर कार्रवाई हुई है, वो कौन से अधिकारी हैं जिनके लेवल पर ये लापरवाही हुई है, उन पर सख्त कार्रवाई हो, ये भी निर्देश दिए गए हैं स्वास्थ्य मंत्री और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की तरफ से। तत्काल मरीज को बेहतर इलाज उपलब्ध करवाए जाए, ये भी कहा है ब्रजेश पाठक ने। बड़ी खबर आपके सामने है, सिविल अस्पताल में तड़पते हुए मरीज की एक फोटो वायरल हुई, जिसके बाद एक्शन में आ गए हैं ब्रजेश पाठक और ये कहा है कि कहां पर गलती हुई, कहां पर लापरवाही हिला हवाली हुई है, जिन्होंने भी ये हिला हवाली की है उन पर एक्शन लिया जाए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।